देवोलीना भट्टाचार्य जी को लेकर खबरें सामने आई थी कि देवोलीना की सोसाइटी में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुंबई के गोरेगांव इलाके में रहती हैं देवोलीना। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा गया कि जो शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वह उनके घर पर ही काम किया करता है। ऐसे में देवोलीना ने खुद को क्वारंटाइन भी कर लिया है। इसी बीच देवोलीना की तबीयत को लेकर हाल ही में उनकी दोस्त रश्मि देसाई ने भी इंटरव्यू में तमाम बातें की हैं। जी हां, रश्मि देसाई से जब पूछा गया उनके कुक के बारे में, दरअसल आपको बता दें खबरें ये भी आई थी कि देवोलीना भट्टाचार्य जी की कुक कोरोना पॉजिटिव निकली है और ऐसे में यहां पर रश्मि देसाई ने अपने इंटरव्यू में कई सारी बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि देवोलीना ठीक है और सेल्फ आइसोलेशन में है। रश्मि देसाई ने बताया कि हाँ, देवोलीना ठीक है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। देवोलीना ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है और अब वह घर के बाहर नहीं जाएगी। उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल भरा समय है, लेकिन मदद के लिए उनके पड़ोसी साथ में हैं। इसके अलावा बिल्डिंग के लोग भी उनकी मदद के लिए तैयार हैं। वेल, दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि देवोलीना भट्टाचार्य जी इन दिनों अपने घर में अकेली हैं। उनकी भाई और मम्मी इन दिनों घर पर मौजूद नहीं है। लॉकडाउन के चलते अपने परिवार से दूर मुंबई में रह रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि रश्मि देसाई और देवोलीना भट्टाचार्य जी पिछले साल ही बिग बॉस सीजन 13 में पार्टिसिपेट की थी और वहीं से इन दोनों की दोस्ती गहरी होती हुई चली गई। जहां एक ओर देखा जाए तो शो का फिनाले इसी साल हुआ था और फिनाले के बाद भी इन दोनों की दोस्ती कंटिन्यू है। ऐसे में लगातार एक दूसरे के टच में बनी रहती है और सोशल मीडिया पर लगातार अपनी वीडियोस और तस्वीरें शेयर करती हुई नजर आती है। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।